एक रामू नाम का लड़का है, वो आश्रम में रहता है, उसे पढ़ाई उड़ाई से मतलब नहीं है, वो आश्रम घूमता ही रहता है। वही आ रहा है क्या? हाँ 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 वही आ रहा है, वही। अबे यार क्या पढ़ लिख के करेंगे, मुझे तो सलाह सब फ्री में मिल जाता है सरकार की तरफ से, असर में रहता हूँ। फ्री में मिल रहा है तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ लिख ले भाई, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी, नहीं तो दर तक ठोकरे खाएगा, भीख मांगेगा। अबे यार मैं भीख मांगूंगा? अबे यार तुझे पता नहीं सरकार मुझे देती है खाने के लिए। कब तक सरकार देगी खाने के लिए? अबे ये सरकारी हो तो सारा जिंदगी भर देती है। नहीं देगी। अबे देगी। अबे नहीं देगी, अगली सरकार आएगी तो क्या करेगा तू? अगली सरकार कहाँ से आएगी, वो तो हम लोग देते हैं। अगर सरकार बदल गई तो? नहीं बदलेगी, बदल जाएगी। चोरी का जमाना है भाई, चोरी करेगा तू? अबे यार सुन, ज्यादा सारा मत बन। अबे पढ़ेगा नहीं तो तेरी जिंदगी बैल से बदतर हो जाएगी। वो कहावत तो तूने सुनी है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अबे मैं क्या कुत्ते का दूध पीता हूँ जो भोकूंगा? अबे दहाड़ेगा दहाड़ेगा दहाड़ेगा। अब जा रहा हूँ मैं घर खाना खाने। पल्ला निकला तो है नहीं, बस घूमते रहते हैं दिन भर, कोई काम धंधा है ही नहीं। लीजिए भैया पानी। खाना खाया है? नहीं भैया, बोल रहा था कि मेरे सर में दर्द है इसलिए सो गया। दवाई वाला के दिया हो? भैया दवाई ला के दिया हूँ, खाया है फिर सो गया है, बोला मेरे को नींद लग रही है। ठीक है सुनो, फोन बज रहा है क्या? ले कर आओ। ठीक है भैया देख रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैं गाजीपुर थाने से इंस्पेक्टर सत्यमुर्गा से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? क्या इंस्पेक्टर, फोन इधर ला। हेलो हेलो, हाँ मेरी बात वीराश्रम के किसी व्यक्ति से हो रही है? हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए, क्या बात है? हाँ चार लोग गंगा घाट नहाने आए थे और उनकी डूबकर मौत हो चुकी है, चार घंटे से मेरे गोताखोर लगे हुए हैं, अभी नई बॉडी मिली है, हम जा रहे हैं घर। भैया भैया क्या हुआ? छोटे बाबा मर गए। अरे बाबा, भैया क्या हुआ? बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा बाबा बाबा।
कहाँ चले गए? भैया मेरा पेट दर्द कर रहा, मुझे भूख लगी है। घर में एक दाना भी नहीं है। तो चलो यहीं पर आओ, मैं जा रहा हूँ मुखिया के घर, कुछ लेकर आता हूँ। सो जाए, मैं जा रहा हूँ मुखिया जी के घर। क्यों मुखिया जी, हमारा क्यों इंतजार? पैसे लाए हो? पैसे? कैसे पैसे? अरे बीरा, हमारा 5 लाख लेकर गया था आश्रम के लिए। आश्रम के लिए? आश्रम में तो सरकारी पैसा आता है। सरकारी पैसा कहाँ से आएगा? जब कागज पहुँचेगा तभी ना। कागज नहीं पहुँचा सरकार क्या? नहीं, मतलब ये कि आश्रम का कागज सरकार के यहाँ पहुँचा ही नहीं, तो पैसा क्या खाक आएगा? के बदले अधिकारियों ने 20 लाख रुपए मांगे थे, वो बीरा पास था ही नहीं। उसने आश्रम का खर्चा चलाने के लिए मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, तो अब बीरा आया ही नहीं, तो तुम ही मेरा पैसा दे दो। इतना सब कुछ हो गया, बाबा अभी बताए नहीं मुझे। बताएगा कैसे, तुम तो दिन भर घूमते रहते हो। मुखिया जी, मेरे पास तो 1 रुपया भी पैसा नहीं है। 5 साल के लिए मेरे घर नौकर बनो और काम करो, मैं तुम्हें महीने का 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए से क्या होगा मुखिया जी? 100 रुपए से क्या मतलब, मेरा पैसा दो और चले जाओ। ठीक है मुखिया जी। मुखिया जी मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं। खाना क्या फ्री में आता है? काम करो, खाने लेकर जाओ। कहीं भीख मांग कर खाओ, इससे नहीं मतलब। कल सुबह आ जाना। मुझे चक्कर आ रहा है भैया, खाना लेकर नहीं आए, लगता है मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी गलती की थी मैंने। छोटे उड़ जा, छोटे आज मैंने पढ़ा होता तो ये लोग भूख से नहीं मरते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।